दोस्तों, इस महीने में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का मंथ एंडिंग पूरा हो गया है। मार्केट को जितना गिरना था उतना गिर लिया, क्योंकि कहते हैं ना कि गिरते वक्त भी लोग कमाते हैं, चढ़ते वक्त भी लोग कमाते हैं। लेकिन ये ट्रेंड जो है ना, ट्रेंड समझ में आ गया। मान लो कि ट्रेंड कैसा है, इन दोनों की चाल कैसी है और इसके पीछे कंपनी कैसे बिहेवियर करती है, कंपनियाँ कौन से टाइम पे बाइंग पोजीशन लगाती है और कौन से टाइम पे सेलिंग पोजीशन लगाती है, कौन कौन इसके पीछे होते हैं जो इनको आगाह करते हैं कि आपको भैया बाइंग करनी है, आपको भैया सेलिंग करनी है। तो इसके पीछे जो सीर होते हैं ना, तो बहुत बड़े बड़े सीर होते हैं। ये कॉरपोरेट के लोग हैं, अगर इनकी आपने चाल समझ ली, इनकी आपने साइकोलॉजी समझ ली पूरी की पूरी, तो ही आप निफ्टी 50 के अंदर और बैंक निफ्टी के अंदर काम कर पाओगे ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर। तो देखो, सभी कंपनियां एक साथ नहीं बढ़ती है और सभी कंपनियां एक साथ नीचे भी नहीं आती है। तो कौन सी कंपनियां जो है जिनके हाथ में पूरी बागडोर है, तो वो निफ्टी 50 की 50 जो कंपनियां है वो है जो कभी डूबने वाली कंपनियां नहीं है। मान लो इन कंपनियों की साइकोलॉजी आपने समझ ली ना, ये कब डाउन ट्रेंड करती है, कब अप ट्रेंड करती है, कब डाउन ट्रेंड करती है, तो आप डाउन ट्रेंड में भी कमाओगे और अप ट्रेंड में कमाओगे। अगर आपको सिर्फ इक्विटी करनी है, इक्विटी करने के अंदर मान लो आपको शेयर लेने बेचने हैं, तो पहले देख लो कि कौन से कंपनी के शेयर जो है वो रेड जोन में चले गए और लास्ट सपोर्ट पे आ गए। अगर मान लो वो कंपनी के शेयर जो है लास्ट सपोर्ट में आ गए हो ना, तो वहाँ से वो कंपनी खुद बाउंस बैक करेगी, क्योंकि नया महीना भी शुरुआत हो गया है। इन लोगों को भी पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है। अब पूरा डाउन ट्रेंड में कमा लिया, अप ट्रेंड में कमा लिया, लोगों ने पेट भर के कमा लिया इस महीने के अंदर, अगले महीने की जरूरत नहीं थी। जिनका भी सपोर्ट लास्ट सपोर्ट था, वहाँ से डेढ़ घंटे पहले ही जैसे मार्केट क्लोज हुआ, वैसे ही जैसे बड़े बड़े बायर्स ने बड़े बड़े वॉल्यूम लगाकर जो ट्रेंड दिखा दिए है कि भाई सोमवार को इन कंपनियों की प्राइस बढ़ने वाली है। अब जैसे मार्केट बढ़ने वाली, वो सिग्नल तो नीचे से आ गया समझ लो, चलो भाई कि सपोर्ट जोन के नीचे थी, 3 सपोर्ट के नीचे थी, पीवीड तक नहीं आई है, तो समझो कि वो आने वाली है। लेकिन जो मार्केट में अप ट्रेंड पे चल रही है, तो अप ट्रेंड का रेशियो क्या है, अप ट्रेंड में जो चलने वाली रेशियो वाली है, तो जो लोग पीवीड के नीचे कर रही है, समझो पीवीड के नीचे यानी सपोर्ट 1 पे जैसे कर रही है, सपोर्ट 2 पे कर रही है काम, तो ये सपोर्ट 2 और सपोर्ट 1 से सोमवार को ये कंपनियां मान लो नीचे की तरफ जाती है, बराबर नीचे की तरफ यानी नए सपोर्ट बनाती है, तो वहाँ पे आपको बाइंग पोजीशन नहीं बनानी है, बिल्कुल नहीं बनानी है। वहाँ पे चेक करना है पहले कि वो अपने सिग्नल कब देती है और कब बड़े बड़े वॉल्यूम बनाती है। जब वो बड़े बड़े वॉल्यूम जब अप ट्रेंड बनाएगी, जैसे नया रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस क्रॉस कर लिया, तब जाके आपको डिस्टेंस चेक करना है कि अब मुझे इसकी बाइंग पोजीशन बनानी है। देखो, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बहुत अच्छी तरह काम करते हैं। सपोर्ट ये काम करता है कि भाई उसको वहाँ पे सपोर्ट मिला है तो पिछले कई महीनों के अंदर या एक महीने में कितनी बार उसको वहाँ सपोर्ट मिला था। तो पिछले एक दो महीने के चार्ट अगर देख लोगे, तो वहाँ पे सपोर्ट अगर मिल जाएगा आपको कि पीछे यहाँ यहाँ पे सपोर्ट देके आया हुआ है, तो भैया मेरे वहीं से ही वो बाउंस बैक मारेगा ऊपर, उससे नीचे नहीं जाएगा। तो आपको वो चेक करना है और उसके बाद में आपने तय करना है कि भाई मुझे यहाँ से ये जो ऊपर जाने वाले शेयर है, जैसे ग्रीन जोन के अंदर शेयर है, तो मैं कहाँ से बाइंग पोजीशन बनाऊँ। तो अभी तीसरी बात यह है कि निफ्टी 50 के अंदर मैंने बोला जैसे कि 50 कंपनियाँ हैं, 50 कंपनी में 25 कंपनियों का जैसे नीचे की तरफ का डाउन ट्रेंड दिखाई दे रहा था और ऊपर की तरफ डाउन ट्रेंड दिखाने वाली जैसे पीवीड तक पीवीड के लेवल पे आ गई थी, क्योंकि वो भी इतने बड़े लेवल पे नहीं थी। लेकिन कुछ कंपनियाँ हैं कि जो कंपनी की चार्ट में आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीनशॉट के सामने, कि वो अपने कुछ लेवल तोड़कर ऊपर चली गई है और ऊपर से नीचे भी आने लगी है, जैसे रिजेक्शन जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा, अभी नए पीवीआर बनाएगी, नए सपोर्ट और नए रेजिस्टेंस बनाएगी, ये नए सपोर्ट को लेगी और रेजिस्टेंस कर जाएगी। तो आपको चेक करना है कि वो पीवीआर क्रॉस कब करता है, पीवीआर क्रॉस किया मान लो तो आपको अपनी पोजीशन बनानी है, और सब रेजिस्टेंस जैसे क्रॉस कर लिया तो वहाँ पे रिजेक्शन आएगा, वहाँ से रिजेक्शन जैसे आया तो आपको प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाना है। ज़्यादा लालच नहीं करनी है, क्योंकि अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही पूरी जिंदगी चलने वाला है। मार्केट हम रहे ना रहे, ये मार्केट हमेशा चलने वाला है। लेकिन दूर के सौदे न लगाइए, जैसे भाई लंबी पोजीशन मत लगाइए कि जहाँ पे आपको मिनिमम रेडी जो प्रॉफिट होता है वो मिनिमम आपको मिले। अगर मैक्सिमम प्रॉफिट लेना चाहते हो तो जैसे रिजेक्शन आता है उसके पहले बाहर निकल जाए, नए रिजेक्शन को क्रॉस करे, फिर वापस रिजेक्शन आने के बाद में वापस जो नया ट्रेंड बनाया, अप ट्रेंड बनाया, तो अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड को समझ रहा हो, जैसे पहाड़ को चढ़ना पहाड़ का उतरना, ये दोनों कंडीशन को समझ जाओगे तो आप मार्केट में टिके रहोगे।
तो ये वीडियो जो है मैं अभी लंबी नहीं करूँगा, 15,776 का पीवियड पॉइंट है वहाँ पर अभी तक पहुँचा नहीं है निफ्टी 50। अगर मान लो सोमवार के दिन चढ़ने वाला है 15,776 को क्रॉस जैसे कर लेगा, तो क्रॉस जैसे ही करता है तो आप अपनी पोजीशन पहले देख लीजिएगा कि वहाँ से क्या उसका रिजेक्शन आ रहा है। अगर मान लो 50 पॉइंट का भी रिजेक्शन आता है तो उसके बाद में आपको पोजीशन लेनी है बाइंग पोजीशन की। हो सकता है मार्केट गैप अप में ओपनिंग हो, क्योंकि अच्छा रिश्ते दिया है आज बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है कि भाई सारी कंपनियाँ जो है वो सारी कंपनियों का जैसे भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसे होता है, जैसे क्वार्टर रिजल्ट होता है तो बहुत अच्छा आया था। फिर भी मार्केट का जो रुख था, जो चाल थी पिछले एक हफ्ते की, तो उस चाल की वजह से वो लोग अपना जो है अप ट्रेंड नहीं बना पाए। लेकिन अब कोई गिला शिकवा नहीं है, अप ट्रेंड बनेगा उन सभी कंपनियों का जिसको कहते हैं ICICI, HDFC, ये जो कंपनियां थे ना, तो इन कंपनियों क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छे आए थे। लेकिन क्वार्टर रिजल्ट अच्छे नहीं आने के बाद में भी जैसे डाउन ट्रेंड होता है ना, तो तब ये लोग कभी भी बाइंग पोजिशन बनाते नहीं है, सब लोग प्रॉफिट बुक करते हैं। क्योंकि पिछले दो महीने से जिन लोगों ने इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा वो सारे के सारे लोग इसमें से निकल चुके हैं। प्राइस नीचे आ गई है, अगले तीन महीने के लिए भी अगर होल्ड करना चाहते इन कंपनियों को तो कर सकते हो। जिनको मान लो ले वेच नहीं करनी है उन लोगों की बात करो, जिनको मान लो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाने का है, इंट्राडे में पैसा कमाने का है, तो वो लोग अभी तैयार रहे। क्योंकि आने वाला एक हफ्ता में दो तीन दिन सोमवार और मंगलवार के दिन तेज़ी का रुख दिखाई देगा, लेकिन वापिस वही चीज़ तो ऊपर गया, वापिस वहाँ पे नीचे आया सपोर्ट पे, नए सपोर्ट बनाएगा, वापिस दो दिन में बाद में वापिस उस सपोर्ट पे वापिस आएगा, गैप क्लोज करेगा, गैप क्लोज करने के बाद में वापिस अप ट्रेंड दिखाएगा। ये जो उसकी चाल है ना मार्केट की, ये मार्केट की चाल समझना बहुत जरूरी है मेरे दोस्तों। तो मेरे जो ऑनलाइन सेशन है, जो मेरा कोर्स है, अगर मान लो आप चार्जेबल वाले कोर्स में आते हो तो ऑप्शन ट्रेडिंग में कैसे कमाना वो सारी टेक्निक आपको मिल जाएगी, कैसे मार्केट की ट्रैप है वो पता चल जाएगा, कब ऑपरेटर लोगों की एंट्री होती है कौन से एंगल पे वो भी पता चल जाएगा आपको, ऑपरेटर कब एग्जिट करते हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, सारी की सारी एंट्री एग्जिट पता चल जाएगी, जिससे आप प्रॉफिट बना सकते हो। तो प्रॉफिट बनाना सीखे मेरे दोस्तों। हम शेयर मार्केट में हैं तो हमें लॉस बुक नहीं करना है, वैसी ट्रेजरी अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। और अगर आपका डीमैट अकाउंट नहीं है और डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हो तो डीमैट अकाउंट की लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ पे जाके अपना नाम जो है डिटेल है जो डाल दोगे, ईमेल आईडी हो जो भी, और आगे प्रोसेस करोगे तो आपकी जो अकाउंट खुल जाएगी। और अकाउंट खुलने के बाद में आप मुझसे जुड़ जाओगे ताकि मैं आपको फ्री में भी एडवाइस देता रहूँगा, फ्री में टिप्स देता रहूँगा, उस टिप्स का लाभ लेना, रोज़ कमाना, रोज़ अपना प्रॉफिट बुक करो, रोज़ बाहर निकलो। थैंक यू, धन्यवाद।